हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूं हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स की। देखिए, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की ओर से हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड के 113 पदों को भरने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी और अब इन फॉरेस्ट गार्ड के पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है और इस अधिसूचना में बताया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट गार्ड के कितने पद भरे जाएंगे। देखिए, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी में ड्राइवर और कंडक्टर के 1275 पद भरे जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको इन अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से वन विभाग में वन रक्षकों के 113 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई है और वन रक्षकों के सभी पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। 113 वन रक्षकों में 4 पद वन्य जीव प्राणी वन रक्षकों के शामिल हैं। देखिए, वन्य जीव प्राणी वन रक्षकों में 3 पद शिमला और 1 धर्मशाला के लिए भरा जाएगा। इसके अलावा वन वृत्त धर्मशाला में 18, हमीरपुर में 13, कुल्लू में 13, नहान में 6, रामपुर में 9, सोलन में 6, बिलासपुर में 11, मंडी में 4, चंबा में 13 और शिमला में 16 पद भरे जाएंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से इन पदों पर अप्लाई करने के लिए अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है और जल्द ही हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी में ड्राइवर और कंडक्टर के 1295 पद भरे जाएंगे। इसमें ड्राइवर के 795 पद और कंडक्टर के 500 पद भरे जाएंगे और कंडक्टर की लिखित परीक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से कंडक्ट कराई जाएगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से 276 ड्राइवर के पदों को भरने के लिए इसी महीने अधिसूचना जारी की जाएगी और बाकी पद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से आने वाले समय में भरे जाएंगे। देखिए, ये थी पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स की। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।